अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं पिकजोट एकेडमी। आज पीपल पर आवर की हमारी थर्ड वीडियो है, तो इसमें हम देखेंगे किस तरह हमने जो जिस प्रोफाइल के लिए हमने अप्लाई किया था वो अप्रूव होगी, देन उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपनी स्किल से रिलेटेड। तो ये प्रोफाइल है, ठीक है, ये ऑलरेडी अप्रूव है, बट मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस DP पे क्लिक करेंगे, देन आप प्रोफाइल में चले जाएँगे। प्रोफाइल में जाने के बाद ये है आपकी प्रोफाइल का सारा डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप एक कवर पिक्चर लगाएंगे, ठीक है, तो कवर पिक्चर जो आप एक अच्छी सी डिज़ाइन कर लें जो कि आपकी सर्विसेज से रिलेटेड हो, देन यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो कि ऑलरेडी आपने वहाँ पे लगा दी थी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, तो देन आपके पास प्रोफाइल एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो नेम है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए जब आप नेम वहाँ पे फिल करें तो नेम कोशिश करें कि आप सही पुट करें। उसके बाद प्रोफाइल है, आप एनी टाइम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कवर इमेज है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपने लिखा था गेम डेवलपर, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी जॉब से रिलेटेड, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो यहाँ पे मैंने जॉब टाइटल लिख दिया क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। और नीचे हमारे पास स्किल्स आ जाती हैं, वहाँ पे हमने ऐप डेवलपमेंट लिखा था और डिफरेंट ऐप्स रिलेटेड हमने कैटेगरीज़ लिखी थी। तो यहाँ पे हमने अपनी ग्राफिक फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ ऐड कर देनी है। तो याद रहे कि जो मैक्सिमम कैटेगरीज़ हैं वो हम 15 ऐड कर सकते हैं, और जो कैटेगरीज़ हम मैनुअल नहीं ऐड कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं फ्लायर लिखूँगा तो एक पॉपअप सा ओपन बन के आ जाएगा, तो मेरे सामने जिस तरह ये हमें ये ऑप्शन दे रही है, इसके अलावा वो ऑप्शंस ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने फ्लायर डिज़ाइन की ऐड की हुई है, तो जो जो पीपल पर आवर हमें सजेशन में देगा हम वही ऐड कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास अबाउट का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे भी आप अपनी सर्विसेज से रिलेटेड आप अबाउट मी को सेक्शन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी पोर्टफोलियो का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे आप अपने इमेजेस और पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे अपलोड कुछ नहीं किया। देन लोकेशन वगैरह और लैंग्वेजेस वगैरह वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि आप इंडस्ट्री बताएं किस में आप एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे मैंने कोई भी इंडस्ट्री नहीं डाली। उसके बाद ये फ़ोन नंबर है, उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ये आप प्रोफाइल सबमिट करेंगे, कोशिश करें कि एक दफ़ा जब एडिट कर रहे होंगे सारी फिल कर दें, उसके बाद आप सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा एडिट ना करें, क्योंकि जब आप सेव पे क्लिक करेंगे आपकी अगेन जो प्रोफाइल है वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी, और विद इन अ वन डे आपकी फिर दोबारा आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल हमने अप्रूव कर दी है। तो चेक करने का तरीका भी यही सेम है कि आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है, सॉरी प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है, तो आपके सामने प्रोफाइल आ जाएगी, आप देख लीजिएगा कौन कौन सी चेंजेस हो गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो यहाँ पे आपके स्टैटिस्टिक्स आते हैं, ठीक है, जिस तरह आपके पास 15 प्रपोज़ल आपके पास पड़े हैं, ठीक है, जो कि आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कितनी ट्रांजैक्शन आपके पास पड़ी है, और इस तरह के स्टैट्स वगैरह आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है, बैंक इन्फॉर्मेशन दिस एंड डैट कम्प्लीट आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। उसके बाद पेमेंट क्या है, सेटिंग क्या है, और इनवाइट एंड अर्न। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च पे, तो यहाँ पे सर्च प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, फ्रीलांसर कैन यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ जाएगी, जो जो क्लाइंट काम करवाना चाह रहे हैं, जो जो क्लाइंट ने अपनी तो आप अपनी सर्विसेज के मुताबिक यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों से रिलेटेड है आप, तो यहाँ पे आप लोगों की जॉब सर्च कर सकते हैं। तो कोशिश करें, देखें आपने क्या करना है, आपने फ़िल्टर अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे आपने लेटेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, आपके पास जितने भी लेटेस्ट लोगों से रिलेटेड जॉब्स होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास फ़िल्टर्स हैं,
जिन्हें आप अप्लाई करके जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बजट है और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि फिक्स प्राइस है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कैटेगरी के लिहाज से भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लोगों का फिल्टर रिमूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डिज़ाइन से रिलेटेड। तो डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। 105 प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ गए हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, ठीक है, और उन ऑफर की SEO किस तरह हम कर सकते हैं ताकि वो फर्स्ट पेज पे शो हो और हायरिंग के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।